तो हमारा क्वेश्चन है, रेस्टर एज अ लाइन y इज इक्वल टू 2x+10 यूजिंग ब्रेसनहैम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। तो ये हमेशा 7 मार्क्स के लिए आता है, तो आज हम देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी है y इज इक्वल टू 2x+10, और उसके बाद मैंने अज्यूम किया है कि मैं x की वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू 10 मिल गई। और अगर मैंने कंसिडर किया y की वैल्यू 0, तो मुझे इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। y की वैल्यू मैंने 0 कंसिडर किया, तो ये जो 2 है ये वाला वो उस साइड चल जाएगा, तो -2x = 10, तो मैं x की वैल्यू मुझे -5 मिल गई। ठीक है, तो ये x1 हो गया 0, ये हो गया y1 = 10, y2 = 0 और x2 = -5। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इसको कि x1 जो है वो मेरा 0 है और y1 जो है वो मेरा है 10, और x2 जो है वो है मेरा -5 और y2 जो है वो है 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से लिख लिया है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वन ये है कि सबसे पहले हम लोग डेल्टा एक्स निकालते हैं, जो कि x2 - x1 रहता है, और ABS मतलब एब्सोल्यूट, मतलब हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे। तो x2 - x1 लिखा है, तो x2 की वैल्यू -5 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो मुझे 5 मिला है। तो मुझे -5 मिला है एक्चुअली में, मगर मैंने उसको सिर्फ 5 कंसिडर किया है क्योंकि मुझे ABS वैल्यू लेनी थी उसकी। वैसे ही हमने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली है y2 - y1 से, तो हमें 10 मिल गया है। फिर मैंने s1 की वैल्यू निकाली है x2 - x1, जो कि -5 है, मगर हमें इसमें सिर्फ साइन कंसिडर करना है, तो हमारे पास साइन माइनस का था इसलिए हमने सिर्फ -1 लिखा है। और अगर मैं s2 देखूँ तो हमने उसमें भी सिर्फ साइन कंसिडर किया है, तो उसमें भी माइनस था। तो ये हमारी स्टेप वन हो गई। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप टू पे आते हैं। तो हमें स्टेप टू में एक कंडीशन चेक करनी है, डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स और नॉट। तो अगर आप डेल्टा वाई की वैल्यू देखते हो तो वो 10 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है, तो डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा एक्स से ग्रेटर है, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, अगर ये कंडीशन जब ट्रू रहती है तो हमें क्या करना रहता है, इंटरचेंज दी वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो अभी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी डेल्टा वाई से, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 10 और डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, और जब ये जो कंडीशन है डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स की, जब ये कंडीशन ट्रू रहती है तो हम लोग फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप टू में हमने कर लिया है सॉल्व। ओके, और स्टेप थ्री रहती है हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये तो फॉर्मूला ही है -Δx का, तो इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो है वो डेल्टा एक्स क्या था, 10 आया था इंटरचेंज करने के बाद, तो यहाँ पे मेरी ई की वैल्यू -10 हो गई। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, तो हमारी जो स्टेप 4 रहेगी, हमें उसमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल के 5 कॉलम्स रहेंगे, आई प्लॉट ई एक्स और वाई। तो हम लोग सबसे पहले ई की वैल्यू लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया। और एक्स और वाई की जो जो ये जो वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ से मिली है, एक्स और वाई की 0, 10। x1 y1 जो है वो 0, 10 था, तो हमने वो यहाँ लिख दी है 0 और 10। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है फर्स्ट और टू की, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और मैंने इसको पूरा सॉल्व किया भी नहीं है क्योंकि मैं ये वीडियो में इसको सॉल्व करने वाला था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक एल्गोरिदम देखना पड़ता है, और वो एल्गोरिदम कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आप एल्गोरिदम देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है प्लॉट x, y। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले x, y लिख दिया है, ये 0, 10 था, ये 0, 10। ठीक है, तो ये मेरा x x क्या था वैल्यू, यहाँ पे 0, 10 था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट कर दिया है उसको, 0, 0, 10 लिख दिया है उसको। ठीक है, 0, 10 लिख दिया है। अगर मैं एल्गोरिदम देखूँ तो ये जो एल्गोरिदम मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे जो शो कर रहा हूँ, मेरा एल्गोरिदम ये वाला पार्ट है।
ये मेरा एल्गोरिदम का पार्ट है, तो ये एल्गोरिदम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये जो टेबल की जो वैल्यूज है ना वो फिल कर सकते हो, ठीक है? तो ये एल्गोरिदम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो हमारी जो फ्लैग की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है? तो हमारी फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है? तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी, हमें तो हमें वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच टू, ठीक है? तो अभी हमारी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 है, ठीक है? 10, तो वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच टू, तो एच टू की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, -1, तो 10 -1 9 होगा, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी है। फिर हम एल्गोरिदम में और आगे चलेंगे, तो एल्स पार्ट में तो जाना ही नहीं है, जहाँ पे कि फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, तो एल्स पार्ट में हम लोग ये वाला पार्ट छोड़ देंगे। फिर हम लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई इज इक्वल टू ई प्लस टू डेल्टा वाई। तो हमारी एग्जिस्टिंग ई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी यहाँ पे, मैंने एग्जिस्टिंग ई की वैल्यू -10 कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे मैंने -10 लिखा भी था, और मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, ई प्लस टू डेल्टा वाई। तो मैंने यहाँ पे पहले ही से कैलकुलेट रखा है, तो -10 प्लस 2 × डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो डेल्टा वाई की वैल्यू 5 है, जो हमने इंटरचेंज किए थे उसको कंसिडर करना है, ठीक है, ना कि ये वाला कंसिडर करना है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 10 हो गया, तो -10 प्लस 10 कितना होगा, 0, ठीक है? तो हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है? अगर हम एल्गोरिदम में और आगे जाते हैं, तो ई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, इज इक्वल टू 0 है ई की वैल्यू, तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फ्लैग की वैल्यू 1 है क्या? हाँ, फ्लैग की वैल्यू जो है हमारी 1 है व्हाइल लूप में, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 है, हाँ है वैल्यू फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक्स प्लस एस 1 रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखते हो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, और अगर एस 1 की वैल्यू देखते हो तो -1 है, तो 0 -1, सॉरी, तो अगर इक्वेशन के हिसाब से तो वो -1 हो जाएगा वो, और हम यहाँ पे वो लिख देंगे -1, ओके। फिर अगर आप एल्गोरिदम देखते हो यहाँ पे, हम जहाँ पे एल्स पार्ट है कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे अभी, तो यहाँ पे ई की वैल्यू हमें फिर से कैलकुलेट करनी है, जो कि ई -2 डेल्टा एक्स है। तो हमारी एग्जिस्टिंग ई की वैल्यू जो थी वो है 0, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 0 -2 डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 10, ठीक है? तो 2 × 10, तो ये क्या हो गया, -20, तो ये हमारी ई की वैल्यू हमने -20 लिख दिया, ठीक है? तो अभी हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी, -1,9, तो मैंने यहाँ पे -1,9 लिख दिया है, ठीक है? तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी फिर से, ठीक है? तो सबसे पहले हमने प्लॉट कर लिया, प्लॉट x,y, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, फ्लैग की वैल्यू 1 है, ओके, तो हम लोग वाई कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच टू, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाई की वैल्यू क्या है, 9, ठीक है? तो 9 है प्लस एच टू, तो एच टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 -1, जो कि 8 हो गई। तो मैंने यहाँ पे 8 वाई की वैल्यू लिख दी 8, ओके। फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूँ एल्गोरिदम में अपना, तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद ई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ई प्लस टू डेल्टा वाई। तो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, ई की -20, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो -20 प्लस 2 डेल्टा वाई, अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है? तो -20 प्लस 10, तो ये -10 आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं -10 लिख दूंगा, ठीक है? फिर मेरा जो ई है वो ग्रेटर है 0 से या इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो मैं वाइल लूप में अंदर जाऊंगा ही नहीं, और मेरी ई की वैल्यू भी चेंज होगी ही नहीं। तो अभी क्या होगा, मेरा जो एक्स वैल्यू है वो -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है? और जो मैं नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करूंगा ना यहाँ पे थर्ड वाला, वो आएगा -1,8, ठीक है?
और ये मुझे फिर ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं स्टेप 4 में, मतलब मुझे ऐसे ही पूरा टेबल बनाना है यहाँ पे। और ये कितने कितने मतलब ये आई की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, डेल्टा एक्स तक। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10। तो मुझे ये एल्गोरिदम की मदद से ये वैल्यूज पूरी प्लॉट करनी है डेल्टा एक्स टाइम्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 है। तो मुझे ऐसे ही इसको सॉल्व करना। ओके, होप सो आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.